एक्सरसाइज 11.3 क्वेश्चन नंबर 31, वाई इक्वल टू टैन इनवर्स 5x अपॉन 1 माइनस 6x के। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, टैन इनवर्स ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी इज इक्वल टू टैन इनवर्स ए प्लस टैन इनवर्स बी। तो ये हो जाएगा वाई इक्वल टू टैन इनवर्स, अब यहाँ पे है 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर। सबसे पहले डिनोमिनेटर में हम क्या करते हैं, 1 माइनस 6x स्क्वायर को हम ऐसा लिखते हैं 3x इंटू 2x, 3x इंटू 2x 6x स्क्वायर ही होता है। अब यहाँ पे 5x और यहाँ 3x और 2x है, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं 3x प्लस 2x। ये बन गया इस फॉर्म में टैन इनवर्स ए प्लस बी, ए प्लस बी 1 माइनस ए बी। तो ये हो जाएगा टैन इनवर्स, इसके किसके इक्वल होता है, टैन इनवर्स ए प्लस टैन इनवर्स बी, ए इज 3x एंड बी इज 2x। तो ये हो जाएगा टैन इनवर्स 2x। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, टैन इनवर्स x की डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 3x की डिफरेंशिएशन, x की 1 होती है तो 3, ऐसी यहाँ भी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x की डिफरेंशिएशन 2, तो ये आ जाएगा 3 अपॉन 1 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर। टैन इनवर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, टैन इनवर्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स होल डिवाइड बाय कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब हम इसको भी इस फॉर्म में बनाएंगे, ये हो जाएगा टैन इनवर्स ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी इज इक्वल टू टैन इनवर्स ए प्लस टैन इनवर्स बी। अब हम ये इसको ये बनाएंगे, कैसे बनेगा, यहाँ पे क्या है 1 और यहाँ क्या है कॉस एक्स, तो हम यहाँ सबसे पहले 1 बनाते हैं। 1 कैसे बनाया जाएगा, हम डिवाइड करेंगे कॉस एक्स से, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, इसमें न्यूमिनेटर में भी कॉस एक्स है और डिनोमिनेटर में भी कॉस एक्स है, ये कर दिया डिवाइड, ये बनेगा टैन इनवर्स। अब हम इसको अलग अलग करते हैं, कॉस एक्स बाय कॉस एक्स 1 प्लस साइन बाय कॉस टैन एक्स, कॉस बाय कॉस 1 साइन बाय कॉस टैन। अब ये बन गया फॉर्मूला ए प्लस बी 1 माइनस ए बी के लिए हम इसको 1 इंटू लिख देते हैं, ए प्लस बी 1 माइनस ए बी बन गया ए प्लस बी 1 माइनस ए बी विच इज टैन इनवर्स ए प्लस टैन इनवर्स बी। तो ये हो जाएगा टैन इनवर्स 1, ए इज 1 और ये ए है ये बी है, बी इज टैन इनवर्स टैन एक्स। तो टैन इनवर्स 1 होता है पाई बाय 4, 45 पे, ये हो रही कैंसिल एक्स। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स की डिफरेंशिएशन हो जाएगी पाई बाय 4 की 0, एक्स की 1। क्वेश्चन नंबर 33, टैन इनवर्स एक्स रेज टू पावर 1 बाई 3 प्लस वाई ए रेज टू पावर 1 बाई 3 1 माइनस ए एक्स होल पावर 1 बाई 3। तो सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं, टैन इनवर्स एक्स रेज टू पावर 1 बाई 3 ए रेज टू पावर 1 बाई 3, इसको ना पावर को अलग अलग करते हैं, ये हो जाएगा ए की पावर 1 बाई 3 डॉट एक्स की पावर 1 बाई 3। अब ये फॉर्मूला बन जाएगा टैन इनवर्स ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी विच इज़ इक्वल टू टैन इनवर्स ए प्लस टैन इनवर्स बी। तो ये आ जाएगा, ये बन गया ए प्लस बी 1 माइनस ए बी, ए प्लस बी 1 माइनस ए बी किसके इक्वल होता है टैन इनवर्स ए प्लस टैन इनवर्स बी। तो ये आ जाएगा टैन इनवर्स एक्स रेज टू पावर 1 बाई 3 प्लस टैन इनवर्स ए रेज टू पावर 1 बाई 3। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, टैन इनवर्स एक्स की डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर हम करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर 1 बाई 3
प्लस, अब ये कांस्टेंट है ए है ना, तो इसकी डिफरेंशिएशन जीरो, ये हो जाएगा वन अपॉन वन प्लस एक्स रेज टू पावर टू बाई थ्री इंटू इसकी डिफरेंशिएशन एक्स रेज टू पावर एन एन एक्स एन माइनस वन, तो ये हो जाएगा एक्स रेज टू पावर यहाँ पे थ्री, यहाँ लिख देते हैं ये वाला जो थ्री है यहाँ लिख देते हैं, थ्री माइनस वन टू माइनस टू बाई थ्री, ये रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, साइन इनवर्स टू रेज टू पर एक्स प्लस वन अपॉन वन प्लस फोर रेज टू पर एक्स। तो सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं हम, इसको लिखेंगे साइन इनवर्स, इसको लिखते हैं टू एक्स इंटू टू रेज टू पर वन, ये कैसे आया, व्हेन बेस आर सेम पावर्स आर एडिड, तो ये एक्स प्लस वन ही बचेगा। फोर एक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं टू एक्स का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा साइन इनवर्स टू डॉट टू एक्स, टू पहले लिख दिया, वन प्लस टू एक्स का होल स्क्वायर। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है साइन टू थीटा का, साइन टू थीटा होता है टू टैन थीटा अपॉन वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा। अगर हम कंपेयर करें टू टू, टू रेज टू पावर एक्स टैन थीटा, वन वन, टू रेज टू पावर एक्स का होल स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा, तो क्लियरली दिख रहा है टू रेज टू पावर एक्स की जगह क्या है टैन थीटा, तो सब्स्टिट्यूशन हम यूज़ करेंगे टू एक्स इक्वल टू टैन थीटा। अब टैन को उधर ले जाते हैं, थीटा इक्वल टू टैन इनवर्स टू रेज टू पावर एक्स, तो ये हो जाएगा वाई इक्वल टू साइन इनवर्स टू रेज टू पावर एक्स को हमने लिया टैन थीटा, तो ये हो जाएगा टू टैन थीटा अपॉन वन प्लस टू एक्स को हमने लिया टैन थीटा, तो ये आ जाएगा टैन स्क्वायर थीटा, ये बनेगा साइन इनवर्स, इसका फॉर्मूला क्या टू टैन साइन टू थीटा, साइन साइन कैंसिल हो जाएगा टू थीटा बचेगा, अब थीटा की वैल्यू डाल देते हैं, थीटा की वैल्यू क्या थी टैन इनवर्स टू रेज टू पावर एक्स। अब इसको डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, टैन इनवर्स एक्स की डिफरेंशिएशन होती है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ टू रेज टू पावर एक्स, ये आ जाएगा टू अपॉन वन प्लस टू का स्क्वायर होता है फोर, फोर रेज टू पावर एक्स इन टू ए रेज टू पावर एक्स की डिफरेंशिएशन सेम ए रेज टू पावर एक्स इन टू लॉग टू। अब क्या करेंगे टू की पावर सेम है, बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, इसकी टू की पावर वन है, ये कितनी है वन है, तो कितना हो जाएगा बेसिस एक्स प्लस वन, टू रेज टू पावर एक्स प्लस वन लॉग टू अपॉन वन प्लस फोर रेज टू पावर एक्स, ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 35, वाई इक्वल टू साइन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सेक इनवर्स वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। हमें प्रूफ करना है इसमें, प्रूफ डैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू फोर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन y इक्वल टू साइन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सेक इनवर्स वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। हमारे पास सबसे पहले एक फॉर्मूला होता है सेक इनवर्स वन बाई एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, ये हम यहाँ यूज़ करेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, अब सेक इनवर्स अगर हम इसका उल्टा कर दें रेसिप्रोकल करें तो यहाँ कॉस आ जाएगा, यही लिखा है वन बाई एक्स का उल्टा एक्स, तो यहाँ आएगा कॉस इनवर्स, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा वन माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर वन प्लस एक्स स्क्वायर नीचे। अब हमारे पास बन गया ये, अब हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं वो यहाँ लिखते हैं, पहला फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स साइन टू थीटा इज इक्वल टू टू टैन थीटा अपॉन वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा, और सेकंड फॉर्मूला होता है कॉस टू थीटा इज इक्वल टू वन माइनस टैन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा। अब हम कंपेयर करते हैं टू टू एक्स की जगह टैन थीटा, वन वन एक्स स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा एक्स की जगह टैन स्क्वायर थीटा, ऐसे यहाँ भी वन वन
माइनस माइनस एक्स स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा, वन प्लस एक्स स्क्वायर वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा, तो दोनों में सब्स्टिट्यूशन यूज हो रही है टैन थीटा, पुट एक्स इक्वल टू टैन थीटा, यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, थीटा इक्वल टू टैन इनवर्स एक्स, तो ये हो जाएगा वाई इक्वल टू साइन इनवर्स टू एक्स की जगह यहाँ दोनों, यहाँ भी टैन थीटा यहाँ भी टैन थीटा, तो ये बनेगा टू टैन थीटा अपॉन वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस इनवर्स, यहाँ भी टैन थीटा डालना एक्स की जगह, वन माइनस टैन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा, यह आ जाएगा साइन इनवर्स टू टैन थीटा अपॉन वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला, साइन टू थीटा प्लस कॉस इनवर्स, और इस वाले का फॉर्मूला कॉस टू थीटा, अब ये साइन साइन कैंसिल, ये बचेगा टू थीटा, यहाँ भी बचेगा ये और ये भी कैंसिल, यहाँ भी बचेगा टू थीटा, टू थीटा प्लस टू थीटा फोर थीटा, अब हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू डाल देते हैं, थीटा इज, थीटा की वैल्यू क्या है, टैन इनवर्स एक्स, फोर टैन इनवर्स एक्स, डिफ्रेंशिएट करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, फोर इंटू टैन इनवर्स एक्स की डिफ्रेंशिएशन वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो यह आ जाएगा फोर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 36, वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स वन अपॉन रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, प्रूफ करेंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले हमारे पास वाई दिया हुआ है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स वन अपॉन रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं वन का स्क्वायर और यहाँ भी वन का स्क्वायर, तो ये सब्स्टिट्यूशन कौन सी है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की हमारी सब्स्टिट्यूशन होती है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में या तो एक्स को ए टैन थीटा डालते हैं या तो एक्स को ए कॉट थीटा डालते हैं, तो हम टैन डालेंगे, सब्स्टिट्यूशन क्या यूज कर रहे हैं, एक्स इक्वल टू टैन थीटा, टैन को उधर ले जाते हैं, थीटा आ जाएगा टैन इनवर्स एक्स, अब हम यहाँ पे वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स की जगह हमें डालना है टैन थीटा अपॉन वन प्लस एक्स की जगह टैन, वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा, इस पे रूट भी आएगा, प्लस कॉस इनवर्स वन अपॉन यहाँ भी एक्स की जगह टैन थीटा वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा साइन इनवर्स टैन थीटा अपॉन वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी होती है सेक्स स्क्वायर थीटा, कॉस इनवर्स वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा की सेक्स स्क्वायर थीटा, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, अब हम इनको चेंज कर लेते हैं, टैन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में सेक थीटा, सेक थीटा होता है वन बाय कॉस थीटा, कॉस इनवर्स अब वन बाय सेक है, वन बाय सेक होता है कॉस, ये और ये कैंसिल, ये बचेगा साइन इनवर्स साइन थीटा प्लस, ये और ये कैंसिल हो जाएगा थीटा, नेक्स्ट स्टेप में ये और ये भी कैंसिल, थीटा थीटा प्लस थीटा विच इज़ टू थीटा, अब हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू डालते हैं, थीटा इज टैन इनवर्स एक्स, तो ये हो जाएगा टू टैन इनवर्स एक्स, अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाई डी एक्स टू बाहर, टैन इनवर्स एक्स की डिफ्रेंशिएशन वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, यही प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 37, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फर्स्ट पार्ट है कॉस इनवर्स साइन एक्स, तो फर्स्ट पार्ट पहले सॉल्व करते हैं, ये फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन है, लेट वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स साइन एक्स, अब हम क्या करते हैं, साइन एक्स को हम कॉस में चेंज करते हैं, तो कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो ये कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, पाई बाय टू माइनस एक्स, अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स से, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, पाई बाय टू की डिफ्रेंशिएशन जीरो, एक्स की वन। नंबर क्वेश्चन नंबर 37, बी पार्ट कॉट इनवर्स वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स, तो इसमें क्या करते हैं,
सबसे पहले ये यूज़ करते हैं, एक फॉर्मूला होता है कॉट इनवर्स वन बाय एक्स इक्वल टू टैन इनवर्स एक्स। तो हम क्या करते हैं इस पर वाई इक्वल टू कैसे यूज़ करना है, देखो यहाँ वन बाई एक्स है, यहाँ पे एक्स है, तो इसका उल्टा करना है। यहाँ बनेगा टैन इनवर्स, इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, वन प्लस एक्स ऊपर वन माइनस एक्स नीचे, ये आ गया। अब हम इसको ना ये बनाते हैं टैन इनवर्स ए प्लस बी अपॉन वन माइनस ए बी विच इज टैन इनवर्स ए प्लस टैन इनवर्स बी। तो ये कैसे बनेगा, टैन इनवर्स वन प्लस एक्स, ये हो गया ए प्लस बी, वन माइनस ए बी, तो इसको मैं वन इंटू एक्स लिख देता हूँ। ये बन गया ना फॉर्मूला टैन इनवर्स ए प्लस बी वन माइनस ए बी, वो क्या फॉर्मूला, टैन इनवर्स ए प्लस टैन इनवर्स बी। तो ये आ जाएगा टैन इनवर्स वन प्लस टैन इनवर्स एक्स। अब इसकी डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, टैन इनवर्स वन कॉन्स्टेंट है उसकी डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी जीरो, टैन इनवर्स एक्स की डिफ्रेंशिएशन वन अपॉन वन प्लस एक्स के। तो ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 38, कॉट इनवर्स रूट वन प्लस साइन एक्स प्लस रूट वन माइनस साइन एक्स होल डिवाइडेड बाय रूट वन प्लस साइन एक्स माइनस रूट वन माइनस साइन एक्स। हमें इसको शो करना है डी वाई बाई डी एक्स इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, मतलब कि जब हमारा आंसर आए तो उसमें एक्स नहीं होना चाहिए, ये मतलब होता है इंडिपेंडेंट का। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे वन है ना, तो हमारे वन की जगह हम लिखेंगे कॉस केयर एक्स बाई टू प्लस साइन केयर एक्स बाई टू, और दूसरा क्या है साइन एक्स है, यहाँ हर जगह साइन एक्स है ना, तो साइन एक्स की जगह लिखेंगे टू साइन एक्स बाई टू एक्स बाई टू। कॉस केयर एक्स प्लस साइन केयर एक्स वन होता है ना, अब क्वेश्चन दिमाग में आता है कि एक्स बाई टू क्यों लिखा, क्योंकि साइन एक्स में एक्स बाई टू आ रहा है ना, इसलिए यहाँ पे एक्स बाई टू कर दिया। अब ये हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो आ जाएगा वाई इक्वल टू कॉट इनवर्स वन की जगह ये लिखना है कॉस केयर एक्स बाई टू प्लस साइन स्केयर एक्स बाई टू, और साइन एक्स की जगह लिखना है टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू प्लस, ऐसे ही सेम यहाँ पे वन माइनस साइन एक्स है, वन की जगह ये लिखना है कॉस केयर एक्स बाई टू प्लस साइन स्केयर एक्स बाई टू, साइन एक्स की जगह टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। ऐसे ही डिनोमिनेटर में भी यही, डिनोमिनेटर में वन प्लस साइन एक्स था वन माइनस, यही सेम लिख देना, बस बीच में माइनस डाल देना। तो ये बन जाएगा कॉस केयर एक्स बाई टू प्लस साइन स्केयर एक्स बाई टू टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। तो ये भी कॉस केयर एक्स बाई टू साइन स्केयर एक्स बाई टू माइनस टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, ये आ गया। अब आगे क्या करना है, ये बन रहा है ए स्केयर बी स्केयर टू ए बी, ए प्लस बी का होल स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस टू ए बी, ए माइनस बी का होल स्केयर। तो ये आ जाएगा कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्केयर, ये रे कैंसिल। ऐसे ही यहाँ भी कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्केयर, सॉरी यहाँ माइनस आएगा माइनस, ये और ये भी कैंसिल। सेम डिनोमिनेटर में भी यही बन रहा है कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्केयर, ये और ये भी कैंसिल, और यहाँ भी कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्केयर, तो ये और ये भी कैंसिल। ये आ जाएगा वाई इक्वल टू कॉट इनवर्स, अब हम ब्रैकेट्स खोल लेते हैं, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, और यहाँ भी कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, ये माइनस मल्टीप्लाई माइनस कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, ये हो रही कैंसिल, ये हो रही कैंसिल। तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स कॉस एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू, टू कॉस एक्स बाई टू साइन एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू टू साइन एक्स बाई टू, योर ये भी कैंसिल। ये हो जाएगा कॉट इनवर्स कॉस बाय साइन होता है कॉट, ये कॉट कॉट कैंसिल, एक्स बाई टू,
अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, एक्स की डिफ्रेंशिएशन होती है वन, तो ये हो जाएगा वन बाई टू। अब इसको शो करना था, शो डैट डी वाई बाई डी एक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, तो क्लियरली यहाँ पर एक्स नहीं आ रहा, तो डी वाई इज इंडिपेंडेंट ऑफ, शॉर्ट में लिख देता हूँ, इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। नंबर 39, वाई इक्वल टू टैन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्र, सेक इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्र अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्र, तो हमें शो करना है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 4 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्र। तो क्या करेंगे इसमें, पहले तो ये लिख लेते हैं, प्लस सेक इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्र 1 माइनस एक्स स्क्र। सबसे पहले हम इसको ना रेसिप्रो, इसका फॉर्मूला होता है sec इनवर्स 1 बाई एक्स इज इक्वल टू cos इनवर्स x, sec इनवर्स 1 बाई एक्स इक्वल टू cos इनवर्स x। तो क्या करेंगे, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्र प्लस sec इनवर्स 1 बाई एक्स इज cos इनवर्स x, तो हम इसको उल्टा कर लेंगे, बनेगा cos इनवर्स, इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्र अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्र। ये फॉर्मूला है ना, sec इनवर्स 1 बाई एक्स इक्वल टू इसका रेसिप्रोकल x। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, दो फॉर्मूले होते हैं हमारे पास, tan 2 थीटा का, tan 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्र थीटा, और सेकेंड होता है cos 2 थीटा का 1 माइनस tan स्क्र थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्र थीटा। अगर हम देखें x की जगह क्लियरली दिख रहा है tan थीटा, और इस पूरे में x की जगह tan थीटा, तो पुट x इक्वल टू tan थीटा, यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालते हैं, tan इनवर्स x, तो ये y हो जाएगा tan इनवर्स, यहाँ डालना है tan थीटा, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस cos इनवर्स, अब यहाँ डालना है tan थीटा x की जगह, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये मैंने लिखे हैं फॉर्मूले, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज tan 2 थीटा, तो ये हो जाएगा tan 2 थीटा cos इनवर्स, और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला cos 2 थीटा, तो ये हो जाएगा cos 2 थीटा, tan tan कैंसिल 2 थीटा, यहाँ से cos cos कैंसिल 2 थीटा, 2 थीटा प्लस 2 थीटा 4 थीटा, थीटा की वैल्यू डाल देते हैं, थीटा की वैल्यू कितनी है tan इनवर्स x। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx इक्वल टू tan इनवर्स x की डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्र, तो ये आ जाएगा 4 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्र, यही प्रूफ करना था 4 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्र। क्वेश्चन नंबर 40, y इक्वल टू sec इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस sin इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, तो हमें फाइंड करना है dy बाई dx। सबसे पहले यहाँ पे है sec इनवर्स, पहले तो ये यहाँ लिख लेते हैं, sec इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस sin इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। सबसे पहले हम यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, आइडेंटिटी क्या, sec इनवर्स 1 बाई x इज इक्वल टू cos इनवर्स x, तो यहाँ पर आइडेंटिटी क्या आ जाएगी, इसका उल्टा करना है, cos इनवर्स 1 बाई एक्स की जगह क्या लिखा x, तो इसका उल्टा क्या होगा x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, ठीक है, और ये सेम। अब इसके पास एक और आइडेंटिटी होती है, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय टू, तो अगर हम देखेंगे भी यही बन रहा है, एंगल सेम है ना, cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x दोनों का एंगल सेम है, तो ये भी आ जाएगा पाई बाय टू। अब इसकी डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, तो डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी इसकी, पाई बाय टू की डिफ्रेंशिएशन होती है ज़ीरो, तो विच इज़ ज़ीरो। नंबर 41, साइन टैन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। क्या करेंगे इसमें, अगर देखें क्या बन रहा है, ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स, तो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन होती है फोर्थ वाली, ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स, एक्स को क्या पुट करना होता है ए कॉस टू थीटा, तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे, पुट एक्स इक्वल टू कॉस टू थीटा, ए वन है इसलिए सिर्फ कॉस टू थीटा, तो टू थीटा की वैल्यू आ जाएगी
कॉस इनवर्स एक्स, यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। अभी हमारा आएगा वाई इक्वल टू साइन 2 टैन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स, है ना, एक्स की जगह कॉस 2 थीटा, और नीचे है वो 1 प्लस एक्स, 1 तो ये भी 1 प्लस कॉस 2 थीटा। अब 1 माइनस कॉस 2 थीटा की आइडेंटिटी होती है, ये सेम सारा लिखना है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा, और इसका 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये 2 कैंसिल, ये बचेगा साइन 2 टैन इनवर्स, साइन बाय कॉस होता है टैन स्क्वायर थीटा, ये हो रही कैंसिल, साइन 2 टैन इनवर्स टैन थीटा। अब यहाँ पर टैन टैन भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा साइन, ये भी कैंसिल, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। अब हमारे पास एक्स क्या था, कॉस 2 थीटा, यहाँ पे रफली करते हैं एक्स इक्वल टू कॉस 2 थीटा, इसके नीचे मैं लगाता हूँ 1। अब कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस होगी एक्स, हाइपोटेन्यूज हो गया 1। अगर हम पी जी टी लगाएंगे यहाँ पे, तो पी जी टी से परपेंडिकुलर बनेगा 1 माइनस एक्स के, तो साइन 2 थीटा क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो वाई हो गया हमारा रूट 1 माइनस एक्स के। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, रूट एक्स की डिफ्रेंशिएशन होती है 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स, फिर इसको करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्केयर, 1 माइनस एक्स स्केयर की डिफ्रेंशिएशन होती है 1 की 0, एक्स स्केयर की 2x, तो ये और ये कैंसिल, तो अल्टीमेटली आंसर आ गया माइनस एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्केयर। 42 कॉस इनवर्स 2x प्लस 2 कॉस इनवर्स रूट 1 माइनस 4x स्केयर फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, इसको लिखते हैं कॉस इनवर्स 2x प्लस 2 कॉस इनवर्स, यहाँ पर 1 की जगह लिखेंगे 1 का स्क्वायर, और 4x स्क्वायर है इसको लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर, ये सब्स्टिट्यूशन बन गई ना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या बन गई, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सेकेंड वाली सब्स्टिट्यूशन क्या कहती है, अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो x को क्या लेना है, या तो साइन या तो कॉस, तो यहाँ पे कॉस है ना, तो हम कॉस ही लेंगे, पुट यहाँ पे ए 1 है और एक्स 2x है, तो पुट एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा होती है ना, तो ए 1 है तो कॉस थीटा की जगह यहाँ थीटा लेना है, थीटा इक्वल टू कॉस, सॉरी इसमें ऐसा लिखना है, पुट 2x इक्वल टू कॉस थीटा, तो कॉस को उधर ले जाएंगे, थीटा हो जाएगा कॉस इनवर्स 2x। अब ये बनेगा वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x की वैल्यू थीटा प्लस 2 कॉस इनवर्स रूट 1 माइनस 2x की जगह क्या लेना है, कॉस थीटा, तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा थीटा 2 कॉस इनवर्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा, ये हो रही कैंसिल, 2 कॉस इनवर्स साइन थीटा। अब साइन को कॉस में कन्वर्ट करना है, तो कैसे किया जाता है, कॉस 90 माइनस थीटा, तो ये और ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा थीटा प्लस 2 पाई बाय 2 माइनस थीटा, इस 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये 2 से मल्टीप्लाई किया पाई, और इसको इससे किया 2 थीटा, तो ये बनेगा पाई माइनस थीटा माइनस 2 थीटा इज थीटा। अब थीटा की वैल्यू डाल देते हैं, थीटा इज कॉस इनवर्स 2x, तो ये आ जाएगा कॉस इनवर्स 2x। अब डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, पाई की डिफ्रेंशिएशन 0, कॉस इनवर्स x की डिफ्रेंशिएशन माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, फिर 2x की करेंगे, 2x की डिफ्रेंशिएशन 2, तो आ जाएगा 2 अपॉन 1 माइनस 4x स्क्वायर। 43 इफ द डेरिवेटिव ऑफ टैन इनवर्स ए प्लस बी एक्स टेक्स वैल्यू 1 एट x इक्वल टू 0,
प्रूव डैट वन प्लस ए स्केयर इक्वल टू बी। क्या मतलब है क्वेश्चन का? सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं वाई इज इक्वल टू टैन इनवर्स ए प्लस बी एक्स। हमारे पास गिवन कंडीशन है, डेरिवेटिव अगर इसका जो आए ज़ीरो पुट करने पे वन आएगा, मतलब गिवन है हमारे पास कि डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो गिव्स वन। यही मतलब है डेरिवेटिव ऑफ दिस एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो इज़ वन। तो हमें करना है प्रूफ डैट वन प्लस ए स्केयर इक्वल टू बी स्केयर, सॉरी बी। क्या करेंगे, ये ले लिया हमने y, अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x से। टैन इनवर्स x की डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्केयर, अब इसके बाद हम करेंगे 1 प्लस एक्स स्केयर। अब a प्लस बी एक्स की करनी है, a की 0 x की 1, तो पीछे बचा b, ये आ जाएगा b अपॉन 1 प्लस a प्लस बी एक्स का होल स्केयर। अब हम कंडीशन यूज़ करते हैं, नाउ डी वाई बाई डी एक्स एट, ये दिया ना डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो इज इक्वल टू वन। तो क्या करना है, यहाँ पर x की जगह हमें ज़ीरो डालना है, b अपॉन वन प्लस ए प्लस ज़ीरो का होल स्केयर इक्वल टू वन, b अपॉन वन प्लस ए स्केयर इक्वल टू वन, इसको उधर ले जाएंगे, b इज इक्वल टू वन प्लस ए स्केयर, और यही प्रूफ करना था हमें। क्वेश्चन नंबर 45, y इक्वल टू टैन इनवर्स रूट वन प्लस एक्स माइनस रूट वन माइनस एक्स रूट वन प्लस एक्स प्लस रूट वन माइनस एक्स, फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स। तो क्या करते हैं, सबसे पहले ये लिख लेते हैं टैन इनवर्स रूट वन प्लस एक्स माइनस रूट वन माइनस एक्स वन प्लस एक्स प्लस रूट वन माइनस एक्स। अब हमारे पास सब्स्टिट्यूशन है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन बन रही है a प्लस एक्स ए माइनस एक्स, तो a प्लस एक्स और a माइनस एक्स हो तो x को क्या लेते हैं a cos 2 थीटा, तो a की जगह है 1, तो ये बन जाएगा x इक्वल टू cos 2 थीटा, a इज़ 1, cos को उधर ले जाते हैं 2 थीटा इक्वल टू cos इनवर्स x, थीटा इक्वल टू 1 बाय 2 cos इनवर्स x, तो ये आ जाएगा y इक्वल टू टैन इनवर्स रूट वन प्लस एक्स की जगह कॉस टू थीटा माइनस एक्स की जगह यहाँ भी कॉस टू थीटा अपॉन वन प्लस कॉस टू थीटा प्लस वन माइनस कॉस टू थीटा। 2015 में ना एक क्वेश्चन आया था, एक्स की जगह यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, तो या तब उसमें यहाँ पे एक्स स्क्वायर करना था, बाकी सारा सेम आना था, पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस टू थीटा। अब वन प्लस कॉस टू थीटा का फॉर्मूला होता है टू कॉस के थीटा, और यहाँ होता है टू साइंस के थीटा, ये भी टू कॉस के थीटा टू साइंस के थीटा, ये हो जाएगा टैन इनवर्स, इनके रूट अलग अलग कर लेते हैं, ये हो जाएगा रूट टू कॉस थीटा, ये भी ऐसी रूट टू साइन थीटा, साइन का रूट स्केयर रूट कट गया, रूट टू कॉस थीटा रूट टू साइन थीटा। अब सब ऊपर भी रूट टू कॉमन, नीचे भी क्या कॉमन, कैंसिल हो जाएगा, तो सीधा बचेगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब हम इसमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, टैन इनवर्स ए माइनस बी अपॉन वन प्लस ए बी विच इज़ इक्वल टू टैन इनवर्स ए माइनस टैन इनवर्स बी। अब यहाँ ए माइनस बी वन प्लस ए बी बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ वन है ना, यहाँ वन है तो यहाँ भी वन चाहिए, तो कॉस से डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाएगा टैन इनवर्स कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। अब ये बन जाएगा टैन इनवर्स कॉस बाय कॉस वन, साइन बाय कॉस टैन, कॉस बाय कॉस वन, साइन बाय कॉस टैन। तो अब ये बन गया ना ए माइनस बी वन प्लस ए बी को वन इंटू कर देते हैं, बन गया फॉर्मूला,
फॉर्मूला क्या है, टैन इनवर्स ए माइनस टैन इनवर्स बी, ए ये है और बी ये है, क्या आएगा टैन इनवर्स, यहाँ लिखते हैं टैन इनवर्स ए, ए इज वन माइनस बी टैन इनवर्स बी, बी इज टैन थीटा, तो ये आ गया, ये होता है पाई बाय फोर, टैन टैन कैंसिल, ये थीटा, अब थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, थीटा इज वन बाई टू कॉस इनवर्स एक्स, वन बाई टू कॉस इनवर्स एक्स। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, पाई बाई फोर की डिफरेंशिएशन जीरो, कॉस की होती है माइनस वन, तो ये प्लस हो जाएगा माइनस वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स के, विच इज़ वन बाई टू रूट वन माइनस एक्स के। क्वेश्चन नंबर 46, वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स टू एक्स माइनस थ्री इंटू रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर होल डिवाइड बाय रूट 13। अब यहाँ पर क्या सब्स्टिट्यूशन यूज़ होगी, यहाँ पे बन रहा है, इसको हम वन का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की सब्स्टिट्यूशन है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में क्या डालते हैं, या तो ए साइन थीटा या तो ए कॉस थीटा, तो हम यहाँ पे कॉस है कॉस ले लेते हैं, पुट एक्स इक्वल टू ए वन है तो एक्स इक्वल टू कॉस थीटा, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, तो ये हो जाएगा वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स टू, एक्स की जगह रिप्लेस करना है कॉस थीटा थ्री, यहाँ भी एक्स की जगह कॉस थीटा होल डिवाइड बाय रूट 13, इसको हम लिख लेते हैं कॉस इनवर्स, ये हो जाएगा टू कॉस थीटा, वन माइनस कॉस के थीटा इज साइंस के थीटा अपॉन रूट 13, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, कॉस इनवर्स इसको अलग अलग कर लेते हैं, इसको लिखते हैं टू रूट 13 कॉस थीटा माइनस थ्री रूट 13 साइन थीटा। अब बाहर है कॉस इनवर्स, तो हम यहाँ पे कॉस का फॉर्मूला बनाएंगे, इसको ये कॉस थीटा, इसको कॉस ए ले लेंगे और इसको साइन ए ले लेंगे, तो फॉर्मूला बन जाएगा, ये वैल्यू अननोन होती है इसलिए हम इसको पुट कॉस ए इज इक्वल टू टू बाय रूट 13 साइन ए इक्वल टू थ्री बाय रूट 13। अब हमें ए की वैल्यू निकालनी है, देखा जाए ए की वैल्यू दो आएंगी, एक आएगी कॉस इनवर्स टू बाय रूट 13 और एक आएगी साइन इनवर्स थ्री बाय रूट 13, तो हम एक काम करते हैं दोनों को कंबाइन कर देते हैं, टैन ए ले लेते हैं, टैन होता है साइन बाय कॉस, तो टैन की वैल्यू कितनी है थ्री बाय रूट 13 अपॉन टू बाय रूट 13, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा थ्री बाय टू, तो टैन ए कितना आ गया थ्री बाय टू, ए आ जाएगा टैन इनवर्स थ्री बाय टू, टैन इनवर्स थ्री बाय टू। अब हम क्या करेंगे, वाई हो जाएगा कॉस इनवर्स, अब हमने इसको ए कॉस ए लिया हुआ है, यहाँ पे है कॉस थीटा, तो पहले कॉस थीटा ले लेते हैं, कॉस थीटा और इसको हमने क्या लिया हुआ है कॉस ए, तो ये हो जाएगा कॉस ए माइनस, फिर पहले साइन थीटा लिख लेते हैं और थ्री बाय रूट 13 है ना, इसको हमने लिया हुआ साइन ए, तो ये लिख दिया साइन ए, तो ये ब्रैकेट बंद, अब ये हो जाएगा वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स, ये फॉर्मूला बन गया कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, विच इज़ कॉस ए प्लस बी कॉस थीटा प्लस ए, अब ये कॉस कॉस कैंसिल, तो ये बचेगा थीटा प्लस ए। अब हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू डालते हैं, थीटा की वैल्यू क्या थी, थीटा इज कॉस इनवर्स एक्स प्लस ए की वैल्यू, ए की वैल्यू क्या थी, ए इज टैन इनवर्स थ्री बाय टू। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो क्या बनेगा, ये डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, इसकी डिफ्रेंशिएशन जीरो हो जाएगी क्योंकि इसमें एक्स नहीं है, तो कॉस इनवर्स एक्स की डिफ्रेंशिएशन माइनस वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स के, ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, डिफ्रेंशिएट साइन इनवर्स टू रेज टू पर एक्स प्लस वन डॉट थ्री एक्स वन प्लस 36 रेज टू पर एक्स, डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स ए, तो हम इसको लेट कर लेते हैं वाई इक्वल टू साइन इनवर्स टू एक्स प्लस वन
डॉट 3x 1 प्लस 36 रेज टू पावर एक्स। इसको लिखेंगे साइन इनवर्स, अब इसकी पावर को तोड़ते हैं, ये हो जाएगा 2x इंटू 2 की पावर 1, व्हेन बेस आर सेम पावर्स आर एडेड, तो x प्लस 1 ही बनेगा, इंटू 3x अपॉन 1 प्लस 36 रेज टू पावर एक्स। तो ये आ जाएगा y इक्वल टू साइन इनवर्स, सबसे पहले 2 है तो 2 यहाँ लिख देते हैं, ये है 2 रेज टू पावर एक्स इंटू 3 रेज टू पावर एक्स, व्हेन बेसिस आर सेम, सॉरी व्हेन पावर्स आर सेम, बेसिस आर मल्टीप्लाई, तो 2 3 सा 6, 6 रेज टू पावर एक्स अपॉन, अब यहाँ पे 6 रेज टू पावर एक्स है ना, तो हम इसको भी ऐसे लिख देते हैं 6x का होल स्क्वायर। ये कैसे बना, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 ही आएगा। अब हमारे पास आइडेंटिटी होती है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 टैन थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा साइन, तो अगर हम इससे कंपेयर करें 2 2 6 रेज टू पावर एक्स टैन थीटा 1 1 प्लस प्लस 6x का होल स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा, तो 6x की जगह हम क्या रिप्लेस करेंगे टैन थीटा, सब्स्टिट्यूशन यूज कर रहे हैं 6x इक्वल टू 6 रेज टू पावर एक्स इक्वल टू टैन थीटा, अब टैन को उधर ले जाते हैं, थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स 6 रेज टू पावर एक्स, तो ये आ जाएगा वाई इक्वल टू साइन इनवर्स 2 6x को हमने लिया टैन थीटा, तो ये हो जाएगा टैन थीटा अपॉन 1 प्लस 6x को लिया हमने टैन थीटा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, y इक्वल टू साइन इनवर्स, ये फॉर्मूला किसका है साइन 2 थीटा का, तो यहाँ से साइन साइन कैंसिल 2 थीटा, थीटा की वैल्यू है हमारे पास टैन इनवर्स 6 रेज टू पावर एक्स। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डी वाई बाई डी एक्स, टैन इनवर्स x की डिफरेंशिएशन होती है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 6x का होल स्क्वायर, फिर d बाई डी एक्स ऑफ 6 रेज टू पावर एक्स, ये हो जाएगा 2 अपॉन 6 का स्क्वायर 36 इंटू 6x की क्या होगी 6x इंटू लॉग 2, a रेज टू पावर एक्स की डिफरेंशिएशन होती है a रेज टू पावर एक्स इंटू लॉग a इज 6, तो ये रिक्वायर्ड आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 48, y दिया हुआ है साइन इनवर्स 6x इंटू रूट 1 माइनस 9x स्क्वायर, हमें फाइंड करना है dy बाई डी एक्स, तो पहला स्टेप क्या करते हैं, ये 6x बाद में लिखते हैं, पहले मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 1 माइनस, इसको लिखा 3x का होल स्क्वायर, और यहाँ लिखते हैं 2 इंटू 3x, अगर देखा इसको a का स्क्वायर लिखते हैं, ये बन गया a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर में क्या सब्स्टिट्यूशन यूज होती है, या तो a साइन थीटा या तो a कॉस थीटा, तो अब यहाँ पे बाहर साइन है तो साइन ही ले लेते हैं, पुट x पुट यहाँ पे x जो है 3x है, 3x इक्वल टू साइन थीटा, थीटा की वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स 3x, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2, 3x की वैल्यू क्या है साइन थीटा, 1 माइनस 3x की वैल्यू साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है 2 साइन थीटा अपॉन रूट कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो रही कैंसिल, साइन इनवर्स ये बन गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा, यहाँ पे साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 2 थीटा, अब थीटा की वैल्यू डाल देते हैं 2, थीटा की वैल्यू क्या साइन इनवर्स 3x, अब इसकी डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा dy वाई बाई डी एक्स, 2 बाहर आ जाएगा कॉन्स्टेंट, साइन इनवर्स x, इसको x पढ़ेंगे, साइन इनवर्स x की डिफरेंशिएशन 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स इज 3x, फिर 3x को भी करेंगे, अब 3x की डिफरेंशिएशन होती है 3, एक्स की 1 हो जाएगी 3 बाहर, 1 माइनस 9x स्क्वायर विच इज 6 अपॉन रूट 1 माइनस 9x स्क्वायर।
क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 16, वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट वन माइनस एक्स माइनस रूट एक्स इंटू रूट वन माइनस एक्स के। तो इसमें हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, एक साइन इनवर्स ए रूट वन माइनस बी स्केयर प्लस बी रूट वन माइनस ए स्केयर इज इक्वल टू साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी। अगर यहाँ प्लस है, अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। अगर हम इसमें देखें, ये बन रहा है ए रूट वन माइनस बी स्केयर, ये बन रहा है बी। तो इसका फॉर्मूला क्या है, साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी विच इज़ साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बी, बी इज रूट एक्स। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। साइन इनवर्स एक्स की डिफ्रेंशिएशन वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्केयर, इसकी हो जाएगी वन अपॉन वन माइनस रूट एक्स का होल स्केयर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। तो ये हो जाएगा वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्केयर, ये हो रही कैंसिल, ये बचेगा रूट वन माइनस एक्स, रूट एक्स की डिफ्रेंशिएशन वन बाई टू रूट एक्स। तो ये अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 17, ये वही जो प्रीवियस क्वेश्चन करवाया वैसा ही है, बस कॉस को साइन में बदल देते हैं। कॉस इनवर्स एक्स, हमारे पास फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू। तो यहाँ से कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू निकाली जा सकती है पाई बाय टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो ये हो जाएगा पाई बाय टू माइनस साइन इनवर्स, ये पूरा आ जाएगा। अब इसमें जो पहले वाला हमने फॉर्मूला लगाया वही लगाएंगे इसके पहले वाले क्वेश्चन में। तो ये बने था साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस, अब इसकी डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं, ये वही जो पहले वाले क्वेश्चन में की, ज़ीरो इसकी आई थी, ये पहले डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, पिछले क्वेश्चन से देख लेना, माइनस ऑन रूट वन माइनस एक्स इंटू वन बाई टू रूट एक्स।